Hey, what's up guys, a very good morning and again welcome back to my new vlog. And like generally मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यू उठने लगा हूँ. मैं समझ रहे हो, मेरा स्ट्रगल काम आ गया है. टाइम से सोकर टाइम से उठा जा रहा है मित्रों. और ये देखो, ये अब तक तो सोने ही नहीं दिया भैया. मतलब समझ रहे, एक ही घर में दो ऐसे बंदे हैं जो मैं 5 बजे उठ गया. मैं तो और जल्दी उठ गया था, 4:30 बजे उठ गया था, और ये बंदा भाई अब तक सोया ही नहीं है. बोलो वही तो गद्दा खाली होता है. 5 बजे उठता है, मैं 5 बजे सोता हूँ. 4 बजे उठता हूँ और पीयूष 4 बजे सोता है. समझे, अब तो लेकिन फिलहाल एकदम खतरनाक वाली भूख लगी है. जस्ट बिकॉज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, खाना वाना कुछ खाता नहीं हूँ. सुबह उठता हूँ तो एकदम भारी भूख लगी रहती है. सो देखते हैं क्या. कल रात को मैं पनीर की सब्जी बनी थी, हाँ सब लोग ने खा लिया, मैं ही नहीं खाया. ऑलराइट, सो फाइनली बाहर आ गया हूँ भाई. लिटरली मैं पनीर की भाजी खाने गया था. पनीर की भाजी तो थी बट उसमें पनीर नहीं था. तो मैंने सोचा भाई बाहर ही वॉक कर लेता हूँ, नारियल पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर बाद में जाके कुछ नाश्ता कर लूँगा. दोनों को पता है कल मेरे को एक नया दुकान मालूम पड़ा जो मेरे जस्ट बाजू में था, मेरे को पता नहीं था. और सुबह ना मेरे को मोस्टली ना वही सब खाने का मन होता है, जैसे पोहा हो गया या फिर वो हो गया. अब इतने सुबह सुबह भाई कौन बनाएगा यार 6:30-7 बजे. जैनवन में नाश्ता खाने का टाइम कुछ होता है ना 8:30, अब 6 बजे ही कौन बनाएगा भाई. तो मैं 6 बजे ना वहाँ पे जाया करूँगा भाई, क्योंकि वो 6 बजे ही रेडी कर लेता है मस्त में पोहा वगैरह. तो एक बार 6 बजे खा लूँगा, फिर 8-9 बजे मम्मी बनाएगी तब खा लूँगा. देखो भाई इनको, दोपहर को ये वॉक करने चलते हैं. कभी से मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा रहा भी नहीं है. राइट, सो यार हमेशा की तरह वापस गार्डन. और पीछे तुम लोग बादल देखो भाई, क्या लग रहा होगा तुम लोग को मस्त एकदम, क्योंकि मेरे को यहाँ से देखने में खुद कितना अच्छा लग रहा है. मैं व्लॉग एडिटिंग करते टाइम पीछे अपना क्लाउड्स देखता हूँ ना, मज़ा आ जाता है देख के. ऑलराइट भाई, तुम लोग कितने बार भी बोलो, मैं अपने हर व्लॉग में एक ना एक बार बादलों को अप्रिशिएट करता ही हूँ. भले मैंने कितने बार भी मेरे व्लॉग में बोला हो बट अच्छा ही लगता है यार. देखो मतलब अगर जूम करके देखो तो क्या गाना सुन रहा है. अबे ये देख, एकदम जूम करूँगा देख कितना अच्छा लग रहा है. हेवन लग रहा है ना. लिटरल में जब मैं छोटा था तो मेरे को लगता था ना भाई वो सब सॉलिड है और वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, और वो ना ट्रैम्पोलिन जैसा रहेगा, वहाँ पे ऐसा हम लोग कूद सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता था. बट वहाँ पे जाएंगे ना हम लोग पूरा फॉग फॉग लगेगा मालूम है, उसमें से प्लेन निकलता है. और एक डोरेमोन गैजेट रहता है, अभी उसे स्प्रे मारता है ना तो ना वो एकदम सही हो जाता है, मतलब उसके ऊपर फिर वो चल सकते हैं बादलों के ऊपर. क्या सही गैजेट था वो वाला. ऑलराइट, सो बढ़िया मस्त में एकदम वॉक वगैरह कर लिया. अब चलता हूँ घर पे. मैं तो नारियल पानी पी लिया, आज मैंने भाई के लिए भी ले लिया. उसने कल बोला था कि भाई मैं लेट उठता हूँ तो क्या हुआ, उठूंगा एटलीस्ट नारियल पानी पीऊंगा. तो बोला ठीक है भाई. ऑलराइट, सो फाइनली मस्त में खाओ आज पूरा एकदम तका वहाँ के एकदम फुल ऑन रेडी. और मैं कोइंसिडेंस देख रहा हूँ, दोनों गरीब ने वही कॉफी कॉन वाला ही कपड़ा पहना है. अभी फ्री वाली टी शर्ट वही ना, हम लोगों को लगे कि भाई हम लोग निकलने से पहले प्लान करते हैं. भाई यही पहनेंगे इसलिए ना भाई, मैं ये नहीं पहनने वाला था, मैं भाई पहन लेता नहीं तो. राइट, सो फाइनली आ गया भाई मॉल के इधर आजकल. और हम लोग भाई लैपटॉप अब सेकंड हैंड नहीं लेते, समझ रहे हो क्या. सेकंड हैंड वाले फेस से हम लोग उठ चुके हैं ऊपर, अब हम लोग सब नया लेते हैं, समझ रहे हो क्या. सो मस्त में आ गया मॉल के बाहर. और इतनी गाड़ी क्यों नहीं, गाड़ी भी ले ही लेना. अब गाड़ी थोड़ा कैसा, अभी लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से आ रहा है. सही बोला, ले लेंगे थोड़ा अमीर दिख जा भाई, रुक जा लेगा कैसे जब मर जाएगा. तो राइट, सो फिलहाल करंट थीम इस मॉल का था अलाइस इन आयरलैंड, और मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से दिखा दिया है अपने प्रीवियस व्लॉग्स में, तो तुम लोग चाहो तो देख सकते हो चाहो तो. ओ भाई जनरली ये बंदा मॉल में आके अब सर्च कर रहा है कि क्या लेना है, कौन सा लैपटॉप लेना है, घर से कुछ डिसाइड करके नहीं आया. ऑल राइट, सो फिलहाल हम लोग ने ये डिसाइड किया है सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप एसस टफ गेमिंग. इसका बहुत ऐड देखा है, बहुत ऐड देखा है इसका यूट्यूब पे, नहीं टीवी पे ना. आजकल गेमिंग इंडस्ट्री से बढ़ रही है, सही है ना. मैं कहता हूँ जनरली कितने भी लैपटॉप्स देख लो, सब कुछ देख लो, बट ना इस लैपटॉप की भाई बात ही अलग है भाई. मैक मैक होता है समझ लो, डिस्प्ले रहने दो, स्मूथनेस रहने दो, रैम रहने दो, सब चीज़ में भाई आईफोन एकदम ही आ गया है. वो तो लोग सेटिस्फाई होने के लिए बोल देते हैं सैमसंग ये सैमसंग वो, बट आईफोन आईफोन ही है भाई, तुम लोग एक्सेप्ट कर लो ये चीज़. सो लैपटॉप तो लेते रहेंगे, उसकी उसका क्या है भाई, वो तो ले लेंगे. हम लोग को बीच में मस्त में दिख गया 12D सिनेमा, तुम लोग जाके देखते हैं अंदर क्या है, 12D में ऐसा क्या है. हाँ ना भाई, मैं अच्छे से सुन रहा हूँ. तुम लोग ऐसे कैमरे में चश्मा नहीं लगा सकते ना, मैं भी चश्मा पहनना लेता उसमें. लेट्स सी. अरे वाह अच्छा यार, इसका मतलब सिर्फ हम दोनों ही है यहाँ. चलो अच्छी बात है भाई, ब्लॉग करने में और मज़ा आएगा. चलो भाई चलो भाई. भाई लिटरल में दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, इससे कोई नहीं है. कोई बात नहीं भाई, लैपटॉप तो बाद में ले लेंगे, पहले ये कर लेते हैं हम लोग. ठीक है भाई, तो ये कुर्सी बहुत ज़्यादा हिलने वाली है तो
फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज फ़ोन टूट गया तो फिर ख़त्म, ज़िंदगी बर्बाद, तो तुम लोग को मत देखो। ऑल राइट, सो लैपटॉप लेने के वे में भाई हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस कर लिया भाई, अलग ही लेवल का मजा आया यार। मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक था, इसके पहले जो मैंने किया था वो इतना रियलिस्टिक नहीं था, बट ये वाला कुछ ज़्यादा ही था, मतलब कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। वो सब तो ठीक है, बट तेरी मम्मी के लिए ये गिफ्ट क्वालिटी बेलन ये जानलेवा है, थोड़ा कम लग रहा है ये। अच्छा देख भाई, एक पे दाल, एक पे चावल, एक पे भाजी और एक पे कुछ नहीं, इधर खाली तवा रखने का। नहीं भाई, अगर मैं तेरे घर पे आया तो मेरे लिए अंडा फ्राई बनाएगा ना। एक 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 रिजर्वेशन होना चाहिए, एक रिजर्वेशन पर अंडा, एक सही पहना भी है। ऑल राइट, सो लिटरली बंदा लैपटॉप खरीद रहा है, बंदे का वॉलेट ही गिर गया भाई, उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह सब है और मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं गिरा होगा, 12 डिग्री बहुत हिला ना सीट। जल्दी कर भाई,